मच्छर आ गए नहीं भैया, मच्छर और मक्खी भी हो रही है। मक्खी ना बाहर जाके मच्छरों को बोले हुए मतलब सिंपलेस बैठी है, मच्छर आ रहे। अच्छा यार क्या कह रहे हैं, और सारे बुजुर्ग बुजुर्ग मच्छर, चार दांत वाले मच्छर है, दो आगे दो दो पीछे काट अथर है, एक तो गूंगा मच्छर है, ये मच्छर है इमरान हाशमी है यार। पता है तुमने ये जो किया है ना, मच्छर टेंशन में घूम रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं यार, मच्छर बाहर टेंशन में घूम रहे हैं, भाई अंदर जा रही हूँ सलाम कह देना मेरा गुरु मच्छर। अच्छा मच्छर तुम्हें फॉरेन काटते हैं या नहीं? नहीं बाकायदा है, मैसेज करते हैं मैडम आज काटने का मतलब है ना, होते हैं मैडम कटवाना चाहेंगे यार, ये रिप्लाई करती देखे मैं बताती हूँ मैम। मच्छर तुम्हें काटते ही आईडी कार्ड बनाने चले जाते होंगे क्या भाई, इंसानों के रूप में आ गए हम। नहीं मुझे तो आपको देख के थोड़े खुजली हो रही है, खुजली हो रही है, खुजली जगह से भी यही हो रहा है, यही काट, बाकी में मच्छर काट, नहीं मच्छर नहीं, ये तो हमने बना माहौल बनाने के लिए, दो मच्छर घूम रहे, दो मच्छर, कोई मच्छर नहीं कोई मक्खी नहीं, यहाँ पर साफ सुथरा माहौल है जी, साफ सुथरा हर जगह होता है, हर जगह जहाँ जितना भी हो जाए मच्छर आएंगे। ओके तो इसने तो खैर अपनी जिंदगी का एक चीज बता दिया, द अवेकनिंग। आप अब बताओ, व्हाट डिड यू गो थ्रू, तुम एक टफ फेज से गुजरे हो या नहीं? जितना आदमी सॉरी टू कट यू, जितना तवे पे आदमी पकता है ना, तवे पे पकता है पकता है पकता है, तो जब भी तो फिर जल कुड़ के जब बाहर आता है ना, तो फिर वो होता है या तो काला। हाँ देखो, हंसकर खोना और खोकर हंसना दोनों के लिए हिम्मत चाहिए। हंसकर खोना और खोकर हंसना दोनों के लिए हिम्मत चाहिए। ये तो जिंदगी का हिस्सा है। हाँ तो ये इसके बगैर मजा नहीं है। ये बदतमीजी कर रही चल मुझे किसी कट जाएगा वो। अच्छा हाँ बोलिए प्लीज। हाँ मुझे किसी ने कहा था शुरू में जब मैं जाता था बसों में धक्के खा के, और जब चैनल पे कहा बेटा आपके बस की बात नहीं है, तो आज एहसास हुआ वाकई आपके बस की बात नहीं, मैंने कहा मैं बस में है, तो वो बड़ा बहुत इस तरह लोग करते थे, डिग्रेड करते थे बहुत तो ज्यादा। किस तरह मुलाकात हुई इससे? वो तो बताया था, वो तो चैनल पे मुलाकात हो गई थी हमारी इत्तफाक से, यही 17-18 साल पहले की बात। वहाँ तो मुलाकात मतलब वहाँ हमारे दोस्त थे जफर दैदी, उन्होंने बुलाया था एक शो करने के लिए, उन्होंने कहा मुझसे बोला, मैं पहले से वहाँ काम कर रहा था, आप भी आती थी उस चैनल पे, तो म्यूजिक चैनल, तो उसने कहा कि एक बंदे को बुलाया बरकत को, तो तुम दोनों के साथ एक शो करना है। मैं पहली मुलाकात वहीं हुई, फिर वहीं से अल्लाह का शुक्र है जोड़ी बन गए, अल्लाह माशाल्लाह। बट दैट इज वेरी नाइस के इतनी लॉन्ग टर्म एक रिलेशनशिप चलती है, दैट इवन इन अ वेरी हेल्थी वे। कभी ऐसा हुआ कि तुमने बोला नहीं नहीं नहीं, ये बजट पर कोई लड़ाई होती है कि तुमने बोला यार चलो हम ये शो कर लेते हैं, और तुम बजट पे तो मुमकिन ही नहीं है। क्यों मुमकिन ही नहीं कि हम दोनों की लड़ाई हो? नहीं नहीं कभी कभी ऐसा होता है ना, तुम बोलो नहीं यार इस ऑर्गेनाइजर के साथ शो नहीं करना, तुम बोलते यार कर, क्योंकि सारी बात मैं ही करता हूं, सब कुछ करता हूं, तो इसे मैनेजर समझ लें, जो भी समझ लें, सब मैं ही करता हूँ। इनडायरेक्टली यू बेबी है, दूध भी पिलाते हैं। मैं वो आदमी हूँ, मैं जो एक बार पासपोर्ट ले कहती दूध भी पिलाता, कढ़ाई वाला डाखाने पे मिलता कढ़ाई खजूरों के साथ। बात ये है कि किसी को किसी की सहारे की जरूरत होती है, अल्लाह ताला जरिया बनाता है। मैं बार बार इस पे जोर देता हूँ, अकेला आदमी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं सहारे की जरूरत पड़ती है। तो बात यह है कि मुझे तो ये भी मैं तो कर रहा हूँ, बस कर रहा हूँ जो जैसा मामला थे, जो भी मामला थे, तो मेरा तो ये होता है। एक बार मैं तो ऐसा हुआ कि हम कहाँ जा रहे थे, मैं तो पासपोर्ट लेना भूल गया, मैं एयरपोर्ट पहुंच गया पासपोर्ट नहीं लेना, मैं उठ गया, क्योंकि मेरी मैं सुबह 7 बजे सोता हूँ, ये सुबह 7 बजे उठता है, तो हम दोनों की टाइमिंग ही नहीं है, कोई मैच ही नहीं है हमारा, ना सोने का टाइम है ना उठने का टाइम है ना, इसकी जिंदगी अलग है मेरी जिंदगी, क्योंकि हम मिलते सिर्फ शो में बस, उसके अलावा नहीं मिलते इसके, इसलिए हमारी ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ सबको, सब समझते हैं कि हम हर वक्त साथ रहते नहीं, हैं। अक्सर ऐसा होता है किसी मॉल में मैं गया हूँ, अब बाथरूम चला गया, वहां पर एक साथ वहां से निकला, अरे बरकत का, मैंने कहा भाई यहाँ थोड़ी होगा मेरे साथ, वो वॉशरूम जहाँ जाओ वो कहते हैं बरकत, मैंने कहा हम सिर्फ काम के वक्त साथ होते हैं बस, या हमें कोई मीटिंग करनी होती किसी बारे में, कुछ करना होता है कंटेंट के बारे में, तो वैसे हम लोग ये अलग बैठक है इसकी, मेरी अलग बैठक, मेरी अलग गैदरिंग है इसकी, अलग गैदरिंग है, दैट्स वेरी नाइस। अभी हम देखते हैं आम क्या बोलते हैं, ट्रॉल टाइम लोग की बातें है बोलना, अब ये लोग क्या बोलते हैं आपको, उनको मुंह तोड़। अच्छा अच्छा, ये आपने यही रिकॉर्ड किया ना, भारी रिकॉर्ड किया ना सुबह आपने, हां सही सही है, हम देख लो। नहीं भाई तुम लोग, नहीं अभी मैं देख रहा रिकॉर्ड चल रहा था, ये अच्छा है, जबरदस्त करती हैं आप। शादी कर लो यार,
मगर भाई शादी कर लो यार। अब ये लिखा किसने ये पता चले ना, रियल अच्छा लड़के ने अभी रियल भाई, रियल आज भाई, रियल आज, रियल आज भाई, रियल आज भाई, जो अपना नाम से नहीं ये क्या कोई हो सकता है इसके अच्छे माना हो आप कोई हो आपका डाउन, लेकिन उन्होंने मशवरा दिया आपको शादी करने का, बिल्कुल कर लूंगा दोस्त कोई अच्छा मुझे कोई। इन्होंने शर्ट क्यों नहीं पहना? ये अभी हम दुबई, ये दुबई जा रहे थे वहाँ की तस्वीर लग रही है। नहीं ये नीचे वाले ने शर्ट क्यों नहीं पहना पता नहीं, नहीं, नहीं यार आपने इस तस्वीर में भी अपना काम ढूंढ लिया मतलब इनके ब्रांड है ना शर्ट, ब्रांड है ना आपका शर्ट है इनके नाम से आ रही ना। नहीं यार चलो भाई नेक्स्ट, इंडिया आओ भाई, दिल 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 इंडिया के फैंस बहुत है, इंडिया है मोहब्बत वाले, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, जितने लोग भी मोहब्बत करते हैं सबको सलाम, सारे जहाँ जहाँ हमें देखते हैं। बात यह है कि रास्ते खुलेंगे, कोई प्लान है जाने का? नहीं तो अभी तो इंडिया के बंद है ना, वीजा ही बंद हुए काफी, अल्लाह करे रास्ते 12 साल आर्टिस्टों का भला होगा, हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं ऐसे मिलके काम करें, मिलके काम करने का मजा ही अलग है यार। एक ने दाढ़ी रखी है, दूसरे ने बाल, दोनों ने बाल रखे ऊपर नीचे, ये कर लो। ओके नेक्स्ट एक सवाल, ये बात सच है कि आंटियां जो हैं वो लड़कों के खर्चे भी उठाती हैं तभी तो वो कुएं में छलांग लगाते हैं? ये क्या लगा, ये मैंने नहीं बोला, ये डबिंग की है किसी ने, ये किसी ने डब किया है, हम लोग डिसेंट कॉमेडी करते हैं, उठा दिए जब जब आप आंटी बन जाओगी ना फिर पता चलेगा। शुगर मम्मी कभी नहीं सुना हमने, सुना है सब, आप इग्नोर करिए मुझे लग रहा है। क्या है प्योर पाकिस्तानी का दिमाग, अकेले लेकर घूमता है ये बंदा, ये तो उन्होंने तारीफ की है खालिद, थैंक यू सर, ऐसी बात नहीं शेख साहब ने कि पूरे पाकिस्तान का दिमाग आप अकेले लेके घूमते हैं। नहीं नहीं बहुत से लोग तारीफ ही तुम लोग की मिली है। नहीं नहीं ये बुराइयां अच्छा दिखाना, दुआओं में याद रखें, दुआओं में याद रखें, शर्म करो लो जी, देख आगे ना बुराई, बुराई आ गई, शर्म करो भाई, थैंक यू सर आप सही कह रहे हो, शर्म करो भाई। हां अच्छा किस बात पे करो, ये नहीं लिखा, इसी बात पे करो यार, ये तुम लोग की माशाल्लाह लोग इतनी बुरी बातें नहीं नहीं करते हैं यार, ऐसी बात नहीं है, नहीं अगर करेंगे तो हमारी इस्लाह के लिए करेंगे, हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है, मुझे तो पकड़ के बोलते हैं यार थोड़ा ये देख लो यार, मैंने कहा सर अब इंशाल्लाह मैं नहीं करूंगा, मैं अगली दफा मैं नहीं करता यार, अगली दफा स्टाइल बदल कर करूंगा जी, मतलब नहीं करूंगा, नहीं वैसे जी बात पता ही क्या है, देखो एक सीरियस बात है, मुझे बताओ तुम्हारे जो शोज होते हैं अमन के साथ उसमें पिल्ले भी आता है सारी चीजें, तो फिर मुझे बताओ आइडिया किसका था उसके साथ काम करने का? अहमद का आइडिया था, पिल्ले को जब बुलाया उसने तो समझा, देखो यार पिल्ले ने अब देखो पिल्ले ने पिल्ले की एक लाइन है, पिल्ले कहता है बरकत भाई आप उसमें भाई मेरे को बेइज्जत करो मेरी इज्जत का सवाल है, इसकी टैग लाइन है, अब उसे अगर लग रहा है कि उसकी इज्जत, फोन करके अगर आपके शो में है ना आप ये बात पूछती और उसको आप अभी भी आप फोन पे लो और मैं उसको लाइन पे लूंगा, आप ले मेरे मोबाइल पे अभी आप मिला सकती है, मैंने कहा तूने पहला जुमला क्या बोला था ठीक ना, ये इसने बोला तो हमारा इसने दिल खोल दिया, करे बरकत भाई क्या देखो मेरे को करोगे ना मेरी मस्ती होगी ना, आप लोगों का भी आएगा काम, पंच लाइन जो निकलेंगी तो हमारा सर सब हमारा अच्छा, शुरू में लोग बड़ा हमें बहुत हमें कहते थे बुरा वाला कि यार क्यों तुम लोग उसको बेचारे कोई खानदानी दुश्मनी करते हो, कोई दुश्मनी है क्या है, लेकिन आप कहते हैं कि अच्छा करते हो, नहीं दूसरी बात नहीं ये सब इसका हमारा हाँ बिल्कुल उसका इनपुट है, हम स्क्रिप्टेड करते हैं सारा, उसको बताते हैं हम ये करेंगे तो उस पर ये रिएक्ट देना, ये सब कुछ तो आप देखो अगर आपके शो में भी अगर आया